तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर की भुर्जी। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस। पनीर की भुर्जी के लिए हमने क्या किया, 4 मीडियम साइज़ प्याज ले लिए और 3 मीडियम साइज़ टमाटर ले लिए। इनको ग्रेट करके हम इनकी प्यूरी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, प्याज भी हमने अपने ग्रेट कर लिए और अपने टमाटर भी ग्रेट कर लिए। तो इसमें आपने एक थोड़ा सा ध्यान ये रखना है पनीर की भुर्जी बनाते हुए कि जो प्याज हमारे हैं और टमाटर, ये हमने ग्रेट करने हैं, ना कि हमने ग्राइंडर से निकालने हैं। क्योंकि अगर हम ग्राइंडर से इनको निकालें तो क्या है, पानी हमारा छोड़ देते हैं प्याज, तो इसलिए हम इनको ग्रेट करेंगे। थोड़ी सी मेहनत लगने वाली है, तो ये ग्रेट करके निकालेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, अपने जो प्याज है वो तेल में डाल देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पनीर हमने अपना ले लिया है, तो पनीर को मैश कर देंगे हम, बिल्कुल फाइन मैश करेंगे। उसके बाद जो हमारी ग्रेवी तैयार होगी उसके साथ इसको ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, हमने पनीर जो हमारा है उसको मैश कर लिया। तो ग्रेवी तैयार होने का वेट करते हैं, उसके बाद पनीर उसमें ऐड कर देंगे। सबसे पहले आप देखें, हमने 2 मसाले इसमें ऐड करने हैं। एक हमने अपनी हल्दी ऐड करनी है 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करनी है, जिससे इसका टेक्सचर बड़ा अच्छा आएगा। और उसके बाद हम इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे, ताकि मसाला हमारा इसके साथ अच्छे से फ्राई हो जाए। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हमने मसाले इसमें 3 ही ऐड करने हैं। कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, गरम मसाला और 1 टेबलस्पून मीट मसाला या जीरा पाउडर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो कश्मीरी लाल मिर्च और नमक हमने पहले ही ऐड कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। तो अब हम इसके अंदर पनीर जो हमने अपना मैश करके रखा है वो डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये जैसे आप देख सकते हैं, पनीर की भुर्जी हमारी तैयार हो गई है बनकर। तो आप भी ट्राई करें इसको बनाने की, बड़ा इजी सा मेथड है बनाने का इसको।